Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, representation of geographical features. बेटा इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि टोपोग्राफिकल शीट्स पे, मैप्स पे कौन सा कलर किस फीचर को रिप्रेजेंट करता है, किस साइन किस सिंबल का हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए. ऑल इन ऑल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू कम टू नो अबाउट हाउ टू रीड द मैप. मैप्स को रीड कैसे करते हैं ये आप लोग सीख जाएंगे. तो क्या क्या है बच्चा इसकी आउटलाइन में, मतलब हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. टोपोग्राफिकल सर्वे मैप्स को पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ कलर्स ऑन टोपोग्राफिकल शीट्स. टोपोग्राफिकल शीट्स पे कौन से कलर यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं. ब्लू वाटर बॉडी के लिए यूज़ होता है, येलो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, ग्रीन फॉरेस्ट के लिए. अगर फॉरेस्ट दिखाना है तो कौन से कलर का यूज़ करोगे, ग्रीन. वाटर बॉडी दिखाना है तो ब्लू, है ना. डीप ओशन दिखाना है तो डार्क ब्लू, और शैलो ओशन दिखाना है तो लाइट ब्लू. इस तरीके से ब्लू के वेरिएंट का यूज़ होता है. रेड दिखाता है सेटलमेंट को, ब्राउन दिखाता है हाइट को, रिलीफ को, और कॉन्टोर्स को. जो कॉन्टोर्स लाइन होती हैं वो भी ब्राउन से बनती है. फिर हम देखेंगे ग्रिड रेफरेंस क्या होता है. स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है मैप में, स्केल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यूजेस एंड टाइप्स ऑफ स्केल्स, मेजरिंग डिस्टेंस ऑन द मैप यूजिंग स्केल्स. अब फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे मैप के ऊपर डिस्टेंस को मेजर किया जाता है. फिर हम कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स को देखेंगे. देखो कुछ सिंबल्स हैं, कुछ साइंस हैं जिनको मैप्स के ऊपर, टोपोग्राफिकल चीज के ऊपर यूज़ किया जाता है, और ये साइंस और सिंबल्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. अब हम देखेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे मैप. तो बेटा जब भी आपको अर्थ के ऊपर जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं अगर उनकी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप किसको देख सकते हो, टोपोग्राफिकल सर्वे मैप्स को देख सकते हो, क्योंकि ये हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द फीचर दैट अपियर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ की सरफेस के ऊपर जितने भी फीचर हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, उनकी एक्यूरेट बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए आपको किसको देखना है, टोपोग्राफिकल सर्वे मैप को देखना है. अब इस फीचर में बच्चा कुछ भी हो सकता है, रेलवेज भी हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, कल्चरल फीचर्स हो सकते हैं, स्टेट की बाउंड्रीज हो सकती हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो सकती हैं, फॉरेस्ट रिजर्व कितना है हमारी कंट्री के पास, रिलीफ फीचर्स कौन कौन से हैं, ये सब की जानकारी आपको किससे मिल जाएगी, टोपोग्राफिकल मैप से. ठीक है, ये जो मैप्स होते हैं ये आपको बेटा, ये जो मैप होते हैं बच्चा ये हमें नेचुरल फीचर्स की इंफॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे हिल्स, एलिवेशन, है ना, ड्रेनेज मतलब रिवर्स कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, ट्रीज कहाँ पर है, वेजिटेशन कहाँ पर है, इसकी इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं कौन, हमें टोपोग्राफिकल मैप्स. ये मैनमेड फीचर्स को भी दिखाते हैं, जैसे कि टाउन्स, विलेजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, कैनाल्स. कैनाल मतलब होता है नहरें, है ना, जो एक बड़ी रिवर से जो छोटी छोटी कैनाल्स निकाल के ले जाते हैं, नहर निकाल के ले जाते हैं, ये वाटर को चैनलाइज करती हैं इन डिस्टेंट प्लेसेस. तो अगर आपको मैनमेड फीचर्स को भी दिखाना है तो आप टोपोग्राफिकल मैप्स के थ्रू दिखा सकते हो, भले ब्रिज हो, कैनाल हो, बिल्डिंग हो या टाउन. और दूसरे कल्चरल फीचर्स को भी डिटेल में हम दिखा सकते हैं. टोपोग्राफिकल मैप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं बच्चा जब आप रोड्स की प्लानिंग कर रहे होगे ना, कि कहाँ से कौन सा रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है, इरिगेशन, सिंचाई मतलब देखो जब आप खेतों को पानी देते हो, फार्मिंग फील्ड्स को जब पानी देते हो तो उस पानी देने को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन. इरिगेशन का हिंदी में मीनिंग होता है बेटा सिंचाई. तो एक रिवर है, यहाँ पर बहुत सूखे इलाके हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, यहाँ पर कुएँ वुएँ भी प्रॉपर काम नहीं करते, मतलब वेल्स भी प्रॉपर काम नहीं करते. एक तो बहुत ज़्यादा डिगिंग करनी होती है, प्लस वाटर मतलब अबंडेंट क्वालिटी में, क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, इनफ वाटर अवेलेबल नहीं है वेल्स के अंदर भी. तो इस रिवर से अगर मुझे कैनाल डिग करनी है इरीगेशन के लिए, है ना, तो वो भी मैं किसको देख कर ही करूँगी, टोपोग्राफिकल मैप्स को. तो टोपोग्राफिकल मैप्स का यूज़ प्लानिंग में भी होता है, भले वो रोड की हो, इरिगेशन की हो या टाउन की हो. जितने भी नेचुरल एंड वो और मेनमेड फीचर्स होते हैं वो सिंबल्स के थ्रू, कन्वेंशनल साइंस के थ्रू टोपोग्राफिकल शीट्स में दिखा दिए जाते हैं. अब मुझे पता है कि इस रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, तो इस कैनाल को मैं यहाँ से नहीं यहाँ से बना लूँगी, पर इसके लिए मुझे पहले क्या देखना पड़ेगा, टोपोग्राफिकल मैप्स. तो कोई भी कैनाल हो, रोड हो, टाउन की प्लानिंग हो, पहले टोपोग्राफिकल मैप को देख के ही की जाती है.
आपने हो सकता प्लानिंग कर ली, पर बीच में दो ऐसी बिल्डिंग्स आ रही हैं या ऐसा कोई रोड जा रहा है जिसके साथ आप कैनाल्स को नहीं ले जा सकते, तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो बेटर है कि आप इन सब की प्लानिंग के पहले टोपोग्राफिकल मैप्स को देख लें। ये जो मैप्स होते हैं ये एक्यूरेट सर्वे ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंड किए जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं मन से कुछ भी बना दिया, पहले प्रॉपर सर्वे किए जाते हैं लैंड के और फिर इन मैप्स को बनाया जाता है। पर्पस क्या होते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स के, क्यों बनाए जाते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स? तो पहला पर्पस है बच्चा, अगर आप कहीं ट्रेवल पे जा रहे हैं तो जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं वो आपके लिए गाइड का काम करेंगे। ठीक हुई बात बेटा? जब हम अननोन प्लेसेस पे जाते हैं, डिस्टेंट प्लेसेस पे जाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ क्या है, कौन सा रास्ता लेना है कौन सा नहीं लेना है? तो ये जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे? गाइड बन जाएंगे। मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी टोपोग्राफिकल मैप्स का यूज़ किया जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं किसके, ज्योग्राफी के, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे टोपोग्राफिकल मैप्स। किसको पढ़ने में? रीजनल ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जब आपको ज्योग्राफी को पढ़ना हो, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी को पढ़ना है और आप कुछ भी नहीं जानते उस एरिया के बारे में, तो आप जब टोपोग्राफिकल मैप्स को लेके बैठेंगे तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे, है ना? तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए भी ये मैप बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं वो हमें बहुत काम की जानकारियाँ देते हैं, ठीक है? अगर आप इंजीनियर हैं तो भी आप एडवांटेज ले सकते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स का। आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में सर्वे करना चाहते हैं, सर्वेयर हैं, तो टोपोग्राफिकल मैप यूज़ होंगे। जितने भी टाउन प्लानर्स होते हैं, जो हम लोग देखते हैं ना आजकल बड़ी बड़ी टाउन प्लानिंग हो रही है, टाउनशिप बन रही हैं और आउटर एरियाज़ में बनती है, आउटर स्कर्ट्स में बन रही हैं, जैसे हम इंदौर की बात करें या भोपाल की बात करें, तो जो बड़ी बड़ी टाउन प्लानिंग आ रही हैं, तो वो टाउन प्लानिंग कहाँ आ रही है? मेन सिटी से थोड़ा सा दूर। तो कैसे पता चलेगा कहाँ पर हमें प्लान करना है कहाँ पर नहीं करना है? तो उसके लिए भी टोपोग्राफिकल मैप्स का यूज़ होता है। टूरिस्ट, ज्योग्राफिकल, जियोलॉजिस्ट, ये सब टोपोग्राफिकल मैप्स का यूज़ करते हैं। तो पहला, अगर आप किसी ट्रैवल पे जा रहे हैं तो गाइड की तरह काम करेगा। दूसरा, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और ज्योग्राफी किसी पर्टिकुलर प्लेस की प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं, तो भी टोपोग्राफिकल मैप आपके यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ के हैं। फिर मिलिट्री पर्पसेस के लिए, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी टोपोग्राफिकल मैप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, है ना? इनका यूज़ करते हैं। अगर हम ब्रॉडवे में देखें तो हमें बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है टोपोग्राफिकल मैप से। जैसे कि मैं अगर टाउन प्लानर हूँ तो मुझे टोपोग्राफिकल मैप का यूज़ करना है, बींग अ इंजीनियर, बींग अ सर्वेयर, जियोलॉजिस्ट, ज्योग्राफिकर, सबके लिए यूज़ होते हैं सबके लिए यूज़फुल हैं टोपोग्राफिकल मैप्स। इवन नेविगेशन में भी टोपोग्राफिकल मैप्स यूज़ होते हैं। नेविगेशन क्या होता है बच्चा? जब आप पानी के अंदर अंदर कहीं जा रहे हैं, मतलब वाटर रूट्स का यूज़ करके कहीं जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? नेविगेशन। तो नेविगेशन में भी टोपोग्राफिकल मैप्स बहुत यूज़फुल हैं। इंडिया में जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं उन्हें प्रिपेयर करता है सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। ये वन मार्क क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ प्रिपेयरिंग टोपोग्राफिकल मैप्स इन इंडिया? तो हु इज़ प्रिपेयरिंग सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। टोपोग्राफिकल मैप कौन बनाते हैं इंडिया में? सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। सर जॉर्ज एवरेस्ट, ऑन हूज नेम माउंट एवरेस्ट हैज़ बीन नेम्ड, ये बहुत ही फेमस सर्वेयर जनरल थे इंडिया के। सर जॉर्ज एवरेस्ट जिनके नाम पे ही माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है, सर जॉर्ज एवरेस्ट। क्या? सर जॉर्ज एवरेस्ट, इनके नाम पे ही माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। ये बहुत ही फेमस सर्वेयर जनरल थे इंडिया के, फेमस सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। यूजेज ऑफ कलर्स ऑन टोपोग्राफिकल शीट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे टोपोग्राफिकल शीट्स पे कलर्स का यूज़ होता है, ठीक है? कौन सा जो कलर है वो किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्टैंड करता है, किस चीज़ को शो करता है? तो जितने भी नेचुरल और मैन मेड फीचर्स हैं उन्हें टोपोग्राफिकल शीट्स पे कलर से शो किया जाता है, दिखाया जाता है। ईच कलर यूज्ड ऑन मैप, हर वो कलर जो मैप पे यूज़ हो रहा है उसका अपना सिग्निफिकेंस है, अपना इम्पोर्टेंस है।
और ये जो कलर हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में एक्सेप्टेड है, ये सिर्फ इंडिया के एक दो स्टेट में एक्सेप्टेबल है। अगर ब्लू वाटर के लिए यूज़ हो रहा है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाटर के लिए ब्लू ही यूज़ हो रहा है, मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। बोथ फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्वे शीट्स एंड मैप पॉइंटिंग, मैप पॉइंटिंग के लिए, सर्वे शीट्स के इंटरप्रिटेशन के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कलर्स, और हर कलर का अपना सिग्निफिकेंस है, अपना इम्पोर्टेंस है। बेटा येलो का यूज़ करते हैं हम कल्टीवेबल लैंड के लिए, प्लैटियोस के लिए, डेजर्ट्स के लिए और प्लेन्स के लिए। ग्रीन फॉरेस्टेड एरिया और लो लैंड एरिया, लो लैंड एरिया को अगर आपको दिखाना है तो ग्रीन से दिखाओगे, फॉरेस्टेड एरिया दिखाना है तो ग्रीन से दिखाओगे। येलो वो ज़मीन जिस पर कल्टिवेशन हो रहा है, जहाँ पर प्लैटियोस हैं, वो सब आप येलो से दिखाओगे। वाइट से आप दिखाओगे रॉकी एरिया और बैड लैंड, वो ज़मीन जो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है या कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, बैड लैंड, रॉकी एरिया, अनकल्टीवेबल लैंड को आप किससे दिखाते हो, वाइट से। ब्लू से आप दिखाते हो पेरिनियल लाइंड वेल्स, पेरिनियल स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वाटर बॉडीज, मतलब ऑल इन ऑल जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सब किससे दिखाओगे, ब्लू से। ब्राउन, अब जितनी भी कॉन्टोर लाइन्स बनती हैं मैप के ऊपर वो ब्राउन से ही बनेंगी। देयर हाइट, रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन्स, ये भी ब्राउन से ही दिखाए जाएंगे। ब्लैक, ब्लैक से वो स्ट्रीम्स हम दिखाते हैं बच्चा जो सूख गई हैं, ड्राई स्ट्रीम, पहले जिनमें पानी हुआ करता था पर आज पानी नहीं है। और जितने भी सर्वेड ट्रीज होते हैं, मतलब जिनकी काउंटिंग गवर्नमेंट ने कर ली है, वो किससे दिखाएंगे, ब्लैक से। रेड से दिखाए जाते हैं परमानेंट हर्ट्स, सेटलमेंट्स एंड सिटीज। रेड से क्या क्या दिखाया जाएगा, परमानेंट हर्ट्स, सेटलमेंट्स एंड सिटीज। बेटा अब हम देखेंगे द ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगर आप किसी भी मैन मेड फीचर को, नेचुरल फीचर को, किसी भी कन्वेंशनल साइन को, सिंबल को अगर टोपोग्राफिकल सर्वे शीट के ऊपर दिखाना चाहते हैं तो आपको ग्रिड रेफरेंस पता होना चाहिए, है ना। चलो अब ग्रिड रेफरेंस क्या होता है या ग्रिड क्या होता है, तो पहले तो ये देखो टोपोग्राफिकल शीट्स के ऊपर कुछ वर्टिकल लाइन्स होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन मिलके क्या बना देती हैं, ग्रिड। इसको ही क्या कहते हैं हम, ग्रिड कहते हैं। ये जो स्क्वायर्स बन रहे हैं ये क्या है, ग्रिड। अभी देखो मैंने प्रॉपर नहीं बनाया तो कुछ आपको रेक्टेंगुलर दिख रहे होंगे, पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। क्यों बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी 2 सेंटीमीटर का होता है, और यहाँ दो लाइन में मतलब वर्टिकली भी ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का होगा ये, और हॉरिजॉन्टली भी ये डिफरेंस कितने का, और 2 सेंटीमीटर। अब 2x2 का बन रहा है तो क्या ही बनेगा बच्चा, स्क्वायर, है ना। तो ग्रिड समझ में आ गया, ग्रिड क्या होता है। ग्रिड ऐसा जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा ना बच्चा, इसको आप क्या ही बोलोगे, ग्रिड, है ना। तो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो टोपोग्राफिकल शीट से क्या बना देती हैं, ग्रिड। और ग्रिड में वर्टिकल लाइंस का जो डिफरेंस होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो डिफरेंस होगा वो कितने का ही होता है बच्चा, 2 सेंटीमीटर का। जैसे ये 74 से 75 तक एक ही पॉइंट है, 74 से 75, और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 सेंटीमीटर का, ठीक हुई बात। ऐसे ही अगर आप इस डिफरेंस को देखें, 23 से 24 में एक ही पॉइंट है पर डिफरेंस कितने का है, 2 सेंटीमीटर का। तो जो ग्रिड बनेगा ये हो गया हमारा एक ग्रिड, ये जो ग्रिड बनेगा ये कितने का बनेगा, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का, तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर, है ना। और ये जो 2 सेंटीमीटर है ये मैप में, जो 2 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड का क्या होता है, 1 किलोमीटर। हाई बात समझ में, चलो। तो जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं उनके ऊपर नेशनल ग्रिड होती है किसकी, स्क्वायर्स की, जो स्केल से बनाई जाती है, मतलब स्केल होता है उसका एक पर्टिकुलर, स्केल से नहीं बनाई जाती, एक पर्टिकुलर स्केल को लेकर हम बनाते हैं। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। क्या स्केल लिया हमने कि अगर आपका जो मैप है, टोपोग्राफिकल शीट है, उसमें 2 सेंटीमीटर दिखाया जा रहा है, मतलब वो एक्चुअल ग्राउंड का डिफरेंस कितना दिखा रहा है, 1 किलोमीटर का। अगर मैंने दिखाया कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है काय का, मैप का, टोपोग्राफिकल शीट का, तो एक्चुअल में ग्राउंड में जब जाएंगे तो ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 1 किलोमीटर का, ठीक है बात। मतलब हर स्क्वायर की साइड किसको रिप्रेजेंट करी, 1 किलोमीटर को। इधर भी 2 है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 किलोमीटर। यहाँ पर भी ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 किलोमीटर। तो हर ग्रेड कितने को दिखा रही है, हर स्क्वायर किसको दिखा रहा है, 1 किलोमीटर को। टोपोग्राफिकल सर्वेस को अगर पढ़ना सीखना है तो बच्चा ग्रिड रेफरेंस का बहुत प्रैक्टिकल यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको पहले ये समझना ही पड़ेगा।
जो वर्टिकल लाइंस होती हैं बच्चा, विच आर नंबर्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिनकी नंबरिंग हम वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ईस्टिंग्स। किसकी तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ईस्टिंग्स। ठीक है, बात क्लियर है। द हॉरिजॉन्टल लाइन विच आर नंबर्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अब साउथ से नॉर्थ की तरफ इनकी नंबरिंग होगी। ये वन तो ऑलरेडी लिखा है, टू थ्री, ये साउथ से किसकी तरफ जा रही है बेटा, नॉर्थ की तरफ, तो इनका नाम क्या होगा, नॉर्थिंग्स। ठीक है, ईस्टिंग्स क्या होती हैं, वो वर्टिकल लाइन टोपोग्राफिकल शीट्स पे जिनकी नंबरिंग हम वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट जिनकी नंबरिंग कर रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड्स में आगे की तरफ बढ़ रही हैं नंबरों को लेके, उन्हें हम ईस्टिंग्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन उनकी नंबरिंग हम करते हैं बच्चा साउथ टू नॉर्थ, साउथ से किसकी तरफ जा रही हैं, ये साउथ है, साउथ से किसकी तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, इन्हें हम बोलते हैं नॉर्थिंग्स। अब जो नेटवर्क बनता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का, मतलब ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स का, इसी को क्या कहते हैं, ग्रिड। इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाई एज ग्रिड रेफरेंस, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिड रेफरेंस। अभी समझ में आ गया ग्रिड क्या है, जो ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स मिलके जो स्क्वायर्स बना रही हैं, है ना, जो ग्रिड बना रही हैं, इसी को हम ग्रिड रेफरेंस भी कहते हैं। आई होप कि ये ग्रिड रेफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है बच्चा, कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टली हम बना रहे हैं, कुछ लाइन हम वर्टिकल बना रहे हैं, और हर लाइन में जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में भी 2 सेंटीमीटर का है, वर्टिकल लाइन में भी 2 सेंटीमीटर है, और वो 2 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर को दिखा रहा है ना। अब फॉलोइंग पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, है ना, अपने माइंड में रखना चाहिए एज़ पर द कन्वेंशन, जब आप किसको पढ़ रहे हैं, ग्रिड रेफरेंस को। देखो बेटा, ये है ईस्टिंग्स, किसकी तरफ जा रही है, ये वेस्ट साइड होती है, ये ईस्ट है, किसकी साइड जा रही है, ईस्ट की साइड जा रही है, इसे ये इन्हें ईस्टिंग्स कह रहे हैं। कितने कितने का डिफरेंस है, 2 पॉइंट के बीच में 2 सेंटीमीटर का। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थिंग्स, ये है बिच्चर साउथ, तो ये ऊपर वाला पार्ट होगा नॉर्थ, किसकी तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नॉर्थिंग्स। और इनमें भी कितने का डिफरेंस है, 2 सेंटीमीटर का। जब ईस्टिंग और नॉर्थिंग्स को आप मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगी, ग्रिड। दिख रही है ना ये ग्रिड, ये जो जाली नुमा जो पैटर्न होता है, क्रिस क्रॉस जो पैटर्न होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये क्रिस क्रॉस नेटवर्क का, नॉर्थिंग्स का और ईस्टिंग्स का, ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स के क्रिस क्रॉस नेटवर्क को ही हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ पर ग्रिड। आई बात समझ में, चलो। अब बेटा जो पहली बात आपको याद रखनी है वो ज़रा ध्यान से समझो, ओरिजिन। तो देखो यहाँ पर ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, वेस्ट से, है ना, कहाँ से हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। यहाँ पर ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, साउथ से, साउथ से किसकी तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो हम मैप को जब भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे वेस्ट और साउथ से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या साउथ वेस्ट से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट साउथ है और स्टार्टिंग पॉइंट वेस्ट है। तो ओरिजिन इज साउथ वेस्ट, ओरिजिन साउथ है, ओरिजिन वेस्ट है। कॉर्नर्स ऑफ द मैप, मैप के कॉर्नर यही हैं। जो रीडिंग होती है मैप की, उस का रेफरेंस पॉइंट क्या ही होता है, ओरिजिन। ये ओरिजिन है, यहीं से तो मैप स्टार्ट हो रहा है, यहीं से तो मैप स्टार्ट हो रहा है, तो ओरिजिन से स्टडी करना चालू करोगे। ईस्टिंग्स आर ऑलवेज रीड टू द ईस्ट ऑफ द ओरिजिन, ईस्टिंग्स को आप कहाँ से रीड करना चालू करते हो बच्चा, ईस्ट ऑफ द ओरिजिन से। नदिंग को आप कहाँ से पढ़ना चालू करोगे, नॉर्थ ऑफ द ओरिजिन। बेटा जब भी आप ग्रिड रेफरेंस दोगे किसी भी चीज़ का, तो स्टार्ट किससे करोगे, ईस्टिंग से। पहले स्टार्ट किससे होगा, ईस्टिंग से, फॉलोड बाय नॉर्थिंग्स। ठीक है बात, तो जब भी ग्रिड रेफरेंस हम देंगे तो ग्रिड रेफरेंस में शुरुआत कहाँ से करेंगे, ईस्टिंग से, और बाद में क्या लिखा जाएगा, नॉर्थिंग्स। जो रीडिंग होगी वो हमेशा ईस्टिंग्स में वो राइट से स्टार्ट होगी और नॉर्थिंग में वो नॉर्थ से स्टार्ट होगी। चलो, तो जो रीडिंग होगी वो हमेशा हम लेंगे टू द राइट ऑफ ईस्टिंग, ईस्टिंग्स के राइट में, ईस्टिंग्स के राइट में और नॉर्थिंग्स के नॉर्थ में। किसी भी फीचर को अगर आपको लोकेट करना है बच्चा, तो 4-फिगर ग्रिड रेफरेंस का यूज़ होता है। अब एग्जांपल में समझेंगे हम लोग, अगर हमें देखना हो किसका, सांगला का
संज्ञा का आपको क्या देखना है, ग्रिड रेफरेंस देखना है। तो हमने पहले ही सीखा था, पहले ईस्टिंग्स को लिखते हैं फॉलोड बाय नॉर्दिंग्स। तो ईस्टिंग्स कितना इसका 37, नॉर्दिंग्स किसका इसका 86। तो इसका टोटल आप जो रेफरेंस दोगे, ग्रिड रेफरेंस दोगे फोर फिगर में, वो हो जाएगा 3786। क्या बात समझ में आई? 3786, 37 इसमें जो पहला पार्ट है वो क्या होगा, ईस्टिंग्स, जो बाद वाला पार्ट है वो नॉर्दिंग्स। हमने इस पॉइंट में पढ़ा था ना, देखो कहाँ गया। अरे ये वाइल गिविंग अ ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस जब भी आप दें तो ईस्टिंग्स को पहले स्टार्ट करेंगे और उसके बाद नॉर्दिंग्स लिखा जाएगा, और फोर फिगर में ये होता है। तो फोर फिगर हो गए और फोर फिगर में शुरुआत के दो ईस्टिंग, बाद के दो नॉर्दिंग्स। एक और एग्जांपल देखो, अब एक टेम्पल है साउथ डायरेक्शन में, उस मैप में तो उसको कैसे दिखाया है, 42 85। तो ये 42 क्या हो गए ईस्टिंग्स और 85 क्या हो गए नॉर्दिंग्स। बेटा ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आपको एक बार पेज नंबर 10 पे जो टोपोग्राफिकल सर्वे मैप दिया गया है उसको देखना ज़रूरी है। देखो इस पिक्चर में जो दिख रहा है तो मैप का जो फ़ोटो है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, टोपोग्राफिकल चीज क्लियर नहीं है। मैं इसको कितना भी जूम कर रही हूँ मुझे क्लियर पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप आपकी बुक में एक बार देख लें, ठीक है बात। अब बेटा हम स्केल को पढ़ेंगे और स्केल के यूजर्स को देखेंगे। देखो हमारा जो पेज होता है या जो शीट होती है जिसके ऊपर हम मैप को बना रहे हैं, वहाँ पर लिमिटेड स्पेस होती है और ग्राउंड में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आपका सिर्फ छोटे से एग्जांपल लेते हैं, आपका स्कूल तक का जो डिस्टेंस है, क्या इतना बड़ा कोई पेपर आता है कि आप उसको उस आपके घर से लेकर के स्कूल तक के डिस्टेंस का पूरा मैप उस पेपर पे बना दो, नहीं आता है ना। तो हमें कुछ ना कुछ स्केल लेना पड़ता है बच्चा, कि जैसे आपका जो स्कूल है वो आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो आप ऐसे ले लो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो आप मैप बना पाएंगे उस पेपर में, है ना। तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि स्केल क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं। स्केल इज मेजरिंग लाइन, स्केल क्या है, एक मेजरिंग लाइन है जो रिलेशनशिप बताता है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप टू देयर एक्चुअल डिस्टेंस ऑन लैंड। लैंड के ऊपर आपका जो स्कूल है वो आपके घर से कितने किलोमीटर पे है बच्चा, ये यहाँ पर आपका घर है और यहाँ पर आपका स्कूल है, ये 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। पर जब आप इसको मैप में दिखाएंगे तो आप इतना बड़ा अगर एक ही फीचर दिखा देंगे तो बाकी चीज़ें कैसे दिखाएंगे। तो आप ये बता देते हो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, और फिर आप प्रॉपरली इसको आप दिखा सकते हो कि भैया मेरा घर यहाँ पर है और मेरा स्कूल यहाँ पर है ना। चलो तो जो स्केल होता है वो एक मेजरिंग लाइन होता है जो रिलेशनशिप बताता है कि मैप में जो दो प्लेसेस हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में ग्राउंड का कितना डिस्टेंस है। देखो अब समझोगे आप, अभी समझ में नहीं आया तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्केल। तो स्केल को कैसे डिफाइन कर सकते हो, कि भाई आप बोल सकते हो कि स्केल क्या है, रेशो है। किसका रेशो है, वो रेशो है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन में एक्चुअल डिस्टेंस ऑन लैंड और ग्राउंड। ज़मीन के ऊपर दो पॉइंट में कितना डिफरेंस है, मैप के ऊपर दोनों पॉइंट में कितना डिफरेंस है, इसके रेशो को ही हम क्या कहते हैं, स्केल, ठीक है बात। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सीन यूनिट से। चलो ये रेशो बिटवीन द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द मैप एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द लैंड, किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए मैप के ऊपर कितना डिस्टेंस लिया है, ज़मीन के ऊपर कितना डिस्टेंस है, इसके रेशो को ही आप क्या कहते हो, स्केल। इसे सेम यूनिट से डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि जो मैप है उसमें मैंने दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, मतलब जो ग्राउंड का 1 किलोमीटर है वो मैप में कैसे दिखाया जाएगा, 1 सेंटीमीटर से दिखाया जाएगा। मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का 1 किलोमीटर मैप का 1 सेंटीमीटर होगा, ये मैंने ऐसे मान लिया है क्योंकि ग्राउंड पे जो डिफरेंस है वो तो है ही, मुझे उस ग्राउंड के डिफरेंस को मैप पे ले जाना है। तो मैंने बता दिया कि भाई 1 किलोमीटर ग्राउंड पे है जिसको मैं मैप पे शो करूँगी 1 सेंटीमीटर से। मैप में भी लार्ज स्केल और मैप में भी स्मॉल स्केल, मैप लार्ज स्केल भी हो सकता है, मैप स्मॉल स्केल भी हो सकता है। हम देखेंगे जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं वो स्मॉल एरिया को ग्रेट डिटेल में दिखाते हैं, मतलब बहुत बड़े एरिया को डिटेल में दिखाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, लार्ज स्केल मैप का। स्मॉल स्केल मैप जो होते हैं वो लार्जर एरिया को दिखाते हैं लेस डिटेल एंड लेस स्पेस में, बहुत कम स्पेस में बहुत बड़े एरिया को दिखाते हैं स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप दिखाएंगे छोटे एरिया को पर ग्रेट डिटेल से दिखाएंगे। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स
गाइड मैप और टोपोग्राफिक मैप. टोपोग्राफिक मैप और जो गाइड मैप होते हैं ये लार्ज स्केल मैप के एग्जांपल हैं, पर वॉल मैप और एटलस, ये एटलस के जो मैप हैं ये क्या है बच्चा, स्मॉल स्केल मैप है. अब आप लार्ज स्केल मैप के थ्रू आप आपके सिटीज़ की, टाउन्स की, विलेजेस की डिटेल्स को दिखा सकते हैं, पर वहीं पर अगर आपको स्मॉल स्केल मैप्स का यूज़ करना है तो स्मॉल स्केल के मैप्स के थ्रू आप क्या दिखाते हो, कॉन्टिनेंट को, कंट्री को, है ना, नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को, प्लेन्स को, प्लेट्यूज़ को, माउंटेन्स को, पूरे इंडिया में कितने प्लेन्स हैं, कितने प्लेट्यूज़ हैं, वर्ल्ड में कितने प्लेन्स हैं, कितने प्लेट्यूज़ हैं, ये सब दिखाने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा बेटा, स्मॉल. बेटा अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो ये लार्ज स्केल जो होते हैं ये आपकी टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, सिटी की बात करते हैं, है ना. तो यहाँ पर आपका जो एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस है वो कम ही होगा एज़ कम्पेयर टू हम पूरे वर्ल्ड मैप को दिखाएं या पूरे इंडिया को दिखाएं. तो यहाँ पर जो स्केल यूज़ होगा, मतलब जो मैप का 1 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड का 50 मीटर होगा या हार्डली 1 किलोमीटर होगा. पर वहीं पर जब हम लोग स्मॉल स्केल में आते हैं तो स्मॉल स्केल में आप पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे हो, पूरे कॉन्टिनेंट को दिखा रहे हो. तो पूरे वर्ल्ड और पूरे कॉन्टिनेंट को आपको एक पेज के ऊपर दिखाना है तो यहाँ पर स्केल का साइज क्या होगा. देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर में लिखा है, पर ये गलत है. यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा 100 किलोमीटर. मतलब देखो वर्ल्ड में कितना डिस्टेंस है, तो अगर हम बोलेंगे ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो उसको मैप में किससे दिखाओगे, तुम 1 सेंटीमीटर से, किसमें, स्मॉल स्केल में. वहीं लार्ज स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू या तो 1 किलोमीटर हो सकता है या 50 मीटर हो सकता है, पर आप बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से पेज पर दिखाओगे तो डिस्टेंस कैसा होगा बेटा, ज़्यादा नहीं हो जाएगा. 1 सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 100 किलोमीटर को दिखा रहा है. ठीक है भाई, तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया बेटा, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होगा 100 किलोमीटर. एक बार अपने टीचर से और कंसल्ट कर ले, है ना. मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, पर आपका जो टीचर बोले आप वैसे करें. बेटा जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं वो ज्योग्राफिकल फीचर्स को, स्मॉल एरियाज़ के ज्योग्राफिकल फीचर्स को डिटेल में दिखाते हैं. लार्ज स्केल मैप कब बनाएंगे, जब आप किसी भी स्मॉल एरिया को ग्रेट डिटेल में दिखाना चाहते हो या किसी भी ज्योग्राफिकल फीचर को पूरा डिटेल में पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं तो लार्ज स्केल मैप में जाएंगे. स्मॉल स्केल मैप्स शो ओनली इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ लार्ज स्केल, लार्ज एरिया के, लार्ज स्केल के नहीं, लार्ज एरिया के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को दिखा सकते हैं हम किसके थ्रू, स्मॉल स्केल मैप्स के थ्रू. टाइप्स ऑफ स्केल, जो डिस्टेंस होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं 3 तरीकों से. डिस्टेंस को आप 3 तरीके से मेजर कर सकते हो. ये टाइप्स ऑफ स्केल की बात करें तो 3 वेज के स्केल्स हो सकते हैं. डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ स्केल इन 3 वेज, वर्बल स्केल और स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस भी हम कहते हैं जिसको RF कहते हैं, और तीसरा है ग्राफिक स्केल और लीनियर स्केल. तो कौन कौन से 3 टाइप के स्केल हो जाएंगे बेटा, वर्बल स्केल और स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल फ्रैक्शन और ग्राफिक स्केल और लीनियर स्केल. पहले वर्बल स्केल और स्टेटमेंट देखेंगे हम बच्चा. इस मेथड में क्या होता है, जो स्केल होता है उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देते हैं. जैसे 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, मैप का जो 1 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड के 50 किलोमीटर के बराबर है. तो आपने सबसे ईजी दिख रहा है मुझे, तो आपने ऊपर पढ़ा मैप पढ़ने के पहले क्या देख लिया, स्केल. तो स्केल में क्या लिखा था कि भैया मैप के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड का 50 किलोमीटर है. तो आप ये ध्यान से समझ पाओगे कि जैसे आपने देखा दिल्ली और मुंबई के बीच में डिफरेंस तो कितने का आ रहा था, ये 6 सेंटीमीटर का आ रहा था. तो आपको पता चल गया कि 50 × 6 करेंगे तो मतलब इन दोनों में डिफरेंस होगा 300 किलोमीटर का. इसी तरीके से समझ में आ गई बात. तो इस मेथड में स्केल को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स में. 1 सेंटीमीटर जो मैप का है वो 50 किलोमीटर ग्राउंड के बराबर है. ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देती है. जो मेथड मुझे सबसे इजी लगी वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है. और देखो पढ़ने में तो कितनी ईजी लग रही है, लिख दिया ऊपर कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर है. अब क्या प्रॉब्लम है इसमें, पर ये पॉपुलर नहीं है क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देती है. अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस की बात करेंगे. इसमें जो होता है न्यूमेरिकल फ्रैक्शन को ही हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं. न्यूमेरिकल फ्रैक्शन मेथड को ही हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड कहते हैं. इस मेथड में जो रेशो होता है उसे दिखाया जाता है. डिस्टेंस ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड.
तो ये क्या हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मैप में कितना डिफरेंस है, ग्राउंड पे कितना डिफरेंस है, इसके रेशो को दिखाएंगे। जो स्केल होता है, द स्केल कैन बी यूज्ड बाय एनी कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रीज एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यहाँ पर जो कंट्रीज होती हैं वो उनकी कंट्री में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक्सेप्टेड है उसको लिख सकती हैं ऊपर, मतलब मैप के डिफरेंस में भी और ग्राउंड के डिफरेंस में भी, ठीक हुई बात, पर रेशो इसी तरीके से चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आर एफ इज 1:50,000, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर मैप का ग्राउंड के 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। आई बात समझ में, फिर से ध्यान से समझना, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है उसी को हम न्यूमेरिकल फ्रैक्शन बोलते हैं। ये रेशो में दिखाता है कि डिस्टेंस मैप में कितना है और ग्राउंड में कितना है। इस स्केल को कोई भी कंट्री अपने अपना यूनिट ऑफ मेजरमेंट के कर सकती है। जैसे मैंने बोला 1:50,000, क्या बोला 1:50,000, इसका मतलब है कि जो मैप में 1 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड का 50,000 सेंटीमीटर है। आर एफ होता है डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन में डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। 1:25,000 रेश फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे आप इसको, 1:25,000 रेशो हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। रेशो में कैसे लिखते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर जो 1 किलोमीटर है वो है 1,000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स 200 सेंटीमीटर। चलो वैसे ही 1,000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100,000 सेंटीमीटर। बेटा ये जो स्केल होता है इसको आप किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए हमने कहा कि जो मैप की रीडिंग है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी। इट इज़ मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू वर्बल स्केल, ये वर्बल स्केल से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चा ग्राफिक स्केल और लीनियर स्केल। तो आप सबको पता है कि स्केल का यूज़ हम कर रहे हैं, मतलब वो एक रिलेशनशिप बता रहा है कि भैया ग्राउंड में जो डिस्टेंस है वो उसको मैप में इस डिस्टेंस से हमने बताया है, यही बताता है। जो स्केल होता है रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ये सारे स्केल कर रहे हैं। इट इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये ड्रॉ होता है, पर इस तरीके से डिस्टेंस को बताया जाता है कि या इस तरीके से स्केल को बनाया जाता है कि आप डिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी से पढ़ पाएँ, कैलकुलेट कर पाएँ। जैसे जो लीनियर स्केल है, 1.4 फिगर में वो 6 किलोमीटर दिखा रहा है, तो जो स्केल है जिसके अकॉर्डिंग इसको बनाया वो है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। मैप का 2 सेंटीमीटर, ग्राउंड का कितना है 1 किलोमीटर है। टू द राइट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो के राइट में, ये राइट साइड होती है लेफ्ट साइड होती है, ज़ीरो के साइड में आपको 5 कंपार्टमेंट्स गिवन है। कितने कंपार्टमेंट्स गिवन है, 5। अब ये जो 5 कंपार्टमेंट्स गिवन है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 कंपार्टमेंट्स गिवन है, इन 5 कंपार्टमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है बच्चा, 2 सेंटीमीटर का। हर कंपार्टमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर ये जो 2 सेंटीमीटर है ये किसको दिखा रहा है बच्चा, 1 किलोमीटर को, किसको दिखा रहा है, 1 किलोमीटर को। अब हम स्केल में देखते हैं, देखो ये रहा 0 और ये 0 का राइट, 5 कंपार्टमेंट दिखा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हर कंपार्टमेंट में ये डिस्टेंस कितने का है बच्चा, हर कंपार्टमेंट में ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। और 2 सेंटीमीटर मैप में दिखा रहे हो, ग्राउंड में इसकी वैल्यू क्या है, 1 किलोमीटर। तो ग्राउंड के 1 किलोमीटर को मैप में 2 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं, ठीक है बात। वापस से फिर इन्होंने क्या किया बच्चा, ये जो 2 सेंटीमीटर की जगह थी इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब आप अगेन, हमने 2 सेंटीमीटर को किस में डिवाइड कर दिया है, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब बेटा ज़ीरो के राइट में 5 कंपार्टमेंट बताए हैं और ज़ीरो के लेफ्ट में एक ही कंपार्टमेंट बताया है 2 सेंटीमीटर का, जिसे भी आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैंने भी दिखाया, शोइंग 100 मीटर ईच। हर पार्ट किसको दिखा रहा है, 100 मीटर को दिखा रहा है।
एज देयर आर 1000 मीटर इन 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. 1000 मीटर को अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर. मतलब ये जो एक पार्ट है ये किसको दिखा रहा है, 100 मीटर को. ये पूरा कितने का हो गया, 1000 मीटर का. 1000 मीटर का क्यों हुआ, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर. अब इस 1000 को आपने अगेन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 पार्ट में, तो 0 से 0 गया. तो मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट किसका कितने का दिखा रहा है, 100 मीटर्स का. फिर से समझना, हमें 6 किलोमीटर का एक स्केल दिया गया है जिसमें 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को दिखा रहे हैं. 0 से 5 तक अलग अलग कंपार्टमेंट बने हैं जिनमें डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का है, और ये मैप का डिफरेंस है, ग्राउंड में डिफरेंस 1 किलोमीटर का दिखाया गया है. लेफ्ट में आपने 0 के बाद एक ही कंपार्टमेंट बनाया है जो भी 2 सेंटीमीटर का है, जिसको अलग से फिर आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और 10 पार्ट में जो हर पार्ट है वो किसको दिखा रहा है, 100 मीटर को दिखा रहा है. जो लीनियर स्केल होता है ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होती है डिस्टेंस को मेजर करने की. मैप में मोस्ट ऑफ द मैप में आपको ये ही स्केल दिया होता है. इट इज़ गिवन फॉर एक्यूरेट मैप स्टडी. अगर आपको एक्यूरेट मैप स्टडी करना है तो लीनियर स्केल का यूज ही करना पड़ेगा. नाउ मेजरिंग डिस्टेंस ऑन द मैप. अब हम मैप में कैसे मेजर करते हैं डिस्टेंस को वो देखेंगे बच्चा. तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पेस. किसके बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस. डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है. इंडिया में हम लोग मैट्रिक सिस्टम का यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए. आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 मीटर. बात समझ में, 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर. ये सबको पता है ना, चलो देखते हैं. 1000 मीटर्स इन 1 किलोमीटर एंड 100 सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. जो डिस्टेंस होता है उसे नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मेजर किया जाता है. मैप में जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्केल की हेल्प से मेजर कर लेते हैं. चलो अब हमें डिस्टेंस मेजर करना है कर्व्ड रोड का, रिवर का, या कैनाल का. तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पेपर स्ट्रिप. एक पेपर की स्ट्रिप लेंगे, ठीक है बेटा. अब एक पेपर की पतली स्ट्रिप ले लेना है आपको, और जैसे यहाँ से आपको इस डिस्टेंस को मेजर करना है तो इस पेपर की स्ट्रिप को यहाँ रखें और मेजर करते जाएं ऐसे, यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट. और जब इस पेपर की स्ट्रिप को आप, ये देखो पेपर की स्ट्रिप कैसी होती जाएगी, इसके साथ साथ ऐसे कर्व होती जाएगी, हो जाता है ना पेपर कर्व. साथ ही साथ अब आप पेपर को आप स्ट्रेट करके रख लें और मेजर कर लें कितने लंबाई का ये हुआ, है ना. नहीं समझ में आया, फिर से देखो. अगर आपको इस डिस्टेंस को मेजर करना है कि कितना डिस्टेंस है, तो आप धागा थ्रेड ले लो, है, या पेपर की स्ट्रिप ले लो. पेपर की स्ट्रिप को इसके ऊपर ऐसे 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 करके रखते जाओ, फिर इस पेपर की स्ट्रिप को खोल लो, तो ये खुल के इतनी बड़ी हो जाएगी. अब इसको स्केल से मेजर कर सकते हो कितने की, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. थ्रेड भी सेम तरीके से काम करता है जैसे पेपर करता है. आप एक थ्रेड ले लो, उसमें एक नॉट बना लो एक एंड पे, और उस नॉट जो नॉटेड एंड होगा उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे रख के कर्व के साथ उस थ्रेड को लेकर के, जैसे इसको मेजर करना है. यहाँ पर थ्रेड रखो, यहाँ पर आपने नॉट वाला पार्ट रख दिया थ्रेड का, इस तरीके से थ्रेड को रखा. अब इसको सीधा कर लिया धागे को और नाप लिया कितना डिस्टेंस है, और इस तरीके से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये दोनों तो आप पढ़ लेंगे, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी है. अब हम देखेंगे कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स को, जिन्हें हम लीजन भी कहते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बेटा मैप का. इनके बिना मैप को बनाना पॉसिबल ही नहीं है. किन के थ्रू, कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स के थ्रू. देखो अगर मैं बोलूँगी मुझे मंदिरों का मैप बनाना कि भारत में कितने मंदिर हैं, कहाँ कहाँ पर, तो क्या हर मंदिर को मैं मैप के ऊपर बना सकती हूँ, नहीं बना सकती हूँ. इसलिए मैंने एक सिंबल ले लिया है कि इस सिंबल के थ्रू मैं मैप को बनाऊँगी. तो जैसे ये वाला जो सिंबल होगा ये किसके लिए यूज़ होगा, सॉरी, अरे देखो ये बनाया मैंने टेंपल के लिए, मंदिर के लिए, और यहाँ पर ये है ना, तो ये टेंपल का साइन हो गया. साथ ही साथ अगर मुझे चर्च बनाना है तो मैं इस तरीके से बना दूंगी. तो इस इनका यूज़ करके आप चर्चेस और टेंपल्स को दिखा सकते हो. पर क्या एक्चुअली मंदिर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो. चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप का. ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम एक्चुअल साइज और शेप के डिफरेंट फीचर्स को मैप में दिखा पाएं. जैसे बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, ट्रीज हैं, रेलवेज हैं,
सो दे आर शोइंग बाय यूजिंग सर्टेन लेटर, इसलिए कुछ लेटर्स का यूज़ करके, कुछ शेड्स का यूज़ करके, कलर का यूज़ करके, या पिक्चर का यूज़ करके, ब्रिजेस के लिए, ट्रीज के लिए, रेलवेज के लिए, बिल्डिंग, रोड्स, इन सब के लिए कई बार हम किसी शेड, किसी लेटर, किसी कलर का यूज़ करके हम बना देते हैं, जो कि हमारे लिए ईजी हो जाता है। वराइटी ऑफ फीचर जो होते हैं वो मैप के ऊपर आपको दिखाने होते हैं, भले वो नेचुरल फीचर हो या मैनमेड फीचर हो। नेचुरल फीचर में आपको रिवर दिखानी है, कैनाल्स, डैम्स, नहीं सॉरी सॉरी रिवर्स दिखानी है आपको, माउंटेंस दिखानी है, नेचुरल फीचर हो गए। मैनमेड फीचर दिखाने तो आपको डैम्स दिखाने, आपको कैनाल्स दिखानी है, तो मैनमेड फीचर भी दिखाने हैं और नेचुरल फीचर भी दिखाने हैं, तो इनको भी आप कन्वेंशनल साइंस और सिंबल के थ्रू इजीली दिखा सकते हो। रिवर, ट्रीज, मेटल रोड्स, एक्सेट्रा, ये जो सिंबल होते हैं ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं लिमिटेड स्पेस में। इन सिंबल्स को आप अगर एक बार पढ़ना सीख जाएं तो मैप रीडिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट से बने हैं, मतलब एक जैसे सिंबल ही पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जो सिंबल होते हैं आर यूज टू गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, सिंबल से हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डिटेल में अबाउट एन एरिया यूजिंग अप्रोप्रिएट कलर, अप्रोप्रिएट कलर का यूज़ करके, सिंबल्स का यूज़ करके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यू कैन ड्राइव। अ लिस्ट ऑफ रेलिवेंट कन्वेंशनल सिंबल इज गिवन, आप जब ये चैप्टर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर आपको रेलिवेंट जितने भी सिंबल्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज वाले जो कन्वेंशनल सिंबल्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, जिससे आप मैप की स्टडी को ईजिली कर पाएंगे। इन्हें लीजन भी कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं, देखो परमानेंट हट इस तरीके से दिखाई जाएगी, टेम्प्रेरी हट ऐसे, डेजर्टेड टाउन ऐसे, जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है मतलब वहाँ पर डेजर्टेड टाउन है। फिर ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट को इस तरीके से दिखा जाएगा, लीनियर सेटलमेंट ऐसे होंगे, स्कोटर्ड और डिस्पर्स्ड ऐसे होंगे। तो ये आपको लर्न कर रहे हैं, आपको ये वाला फिगर देखते ही याद आ जाना चाहिए कि स्कैटर्ड सेटलमेंट का है। आपको ऐसे दो रेड बॉक्स मिलेंगे मतलब परमानेंट सेटलमेंट है, वाइट बॉक्स मिलेंगे दो मतलब टेम्प्रेरी सेटलमेंट है, जहाँ पर क्रॉस मिलेगा मतलब डेजर्टेड एरिया है। फोर्ट के लिए मतलब किले दिखाने के लिए ऐसा साइन होता है, टावर के लिए ऐसा होता है, मंदिर के लिए ये, छतरी के लिए ये, अभी मैंने मंदिर के लिए कुछ अलग बता दिया था ना, मंदिर के लिए देख लो कैसा यूज़ होता है। फिर ईदगाह के लिए ऐसा साइन यूज़ होगा, टूम के लिए इस तरीके से यूज़ किया जाएगा, ग्रेव्स के लिए ऐसा, अभी हमने देखा कुछ वर्ड्स का भी यूज़ होता है, तो आरएस मतलब रेलवे स्टेशन, सीएच मतलब सर्किट हाउस, ये अब आप लोग पढ़ेंगे, इसमें मेरे पढ़ाने का कुछ नहीं है कि मैं वन बाय वन सबको बताऊं। पीटीओ यूज़ होता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए, टीओ टेलीग्राफ ऑफिस के लिए, पीओ पोस्ट ऑफिस के लिए। फिर इस तरीके से अगर बाउंड्रीज दिखाई गई हैं तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, ये स्टेट की बाउंड्रीज हैं, ये आपको खुद पढ़ना है वन बाय वन, ये रट जाना चाहिए कि आप मैप में अगर इस तरीके का फिगर को देखो तो आपको पता चले कि अनलोकेटेड है, ये सर्वेड है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इस तरीके से दिखाया जाता है, ये अनमेटल्ड रोड है, ऐसी रोड मैप में दिखाई तो आपको पता चलेगा यार मुंबई से पुणे के बीच में मेटल्ड रोड है, इस तरीके की रोड है मतलब पुणे से थाने जाना है तो अनमेटल्ड रोड मिलेगी। पैक ट्रैक ऐसा होगा, पगडंडी, ठीक है, कार ट्रैक इस तरीके का होगा। तो ये सब आप लोग वन बाय वन पढ़ लें, इसमें मेरे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, ओनली फॉर एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन।